हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में बीएड एडमिशन 2023 को लेकर। जैसे कि लगातार न्यूज़ आ रही थी कि बीएड की जो काउंसलिंग है वो 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अब ऐसी जानकारी आ रही है कि आपकी जो बीएड की काउंसलिंग है वो 10 जुलाई से हो नहीं नहीं पाएगी, क्योंकि आज 9 जुलाई हो चुकी है और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा अब तक बीएड काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी ही नहीं हो पाया है। तो ऐसे में कल से काउंसलिंग कैसे स्टार्ट हो सकती है। इसके साथ ही सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में अभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट ही नहीं हो पाए हैं, और भी कई सारे रीज़न हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बीएड डीएलएड भर्ती परीक्षाओं और भी यूनिवर्सिटी से संबंधित पल पल की अपडेट जो है वो लगातार लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की पूरी लेटेस्ट अपडेट आपको दिखाते हैं। अगर आप बीएड की काउंसलिंग का भी सभी से इंतजार कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, अमर उजाला न्यूज़पेपर की तरफ से यहाँ पर ये जानकारी दी जा रही है। झांसी से इस वक्त की बड़ी अपडेट है, 10 जुलाई से प्रस्तावित बीएड की जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा की जो काउंसलिंग है वो लटक सकती है। इसका मुख्य कारण आगरा, अयोध्या और लखनऊ यूनिवर्सिटी में अभी तक स्नातक अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं वो नहीं होना बताया जा रहा है। इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि इन यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस में छात्र छात्राएँ अंतिम वर्ष की मार्कशीट के बिना काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएंगे। तो एक चीज़ तो यहाँ पर ये आपको कंफर्म हो गई होगी कि अगर आपने यहाँ पर फाइनल ईयर में एडमिशन के लिए आवेदन किया है, यानी कि आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के फाइनल ईयर में हैं और आपने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया है, तो आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यानी कि बीए बीएससी बीकॉम जो कोर्स भी आप कर रहे हैं उस फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, तभी आप काउंसलिंग में बैठ पाएंगे। यूनिवर्सिटी ने पहले ही बता दिया था कि काउंसलिंग के समय आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स की जो मार्कशीट है वो दिखाना ही पड़ेगी, फाइनल ईयर की जो मार्कशीट होती है, और उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है। ऐसे में 10 जुलाई से शुरू होने वाली बीएड की काउंसलिंग पर संकट मंडरा गया है। और हालांकि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने सभी यूनिवर्सिटीज से परीक्षा संबंधी रिपोर्ट मांगकर शासन को भेजी है, जिसको लेकर विद्यार्थी भी संशय में कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में विलंब होने के कारण नए सत्र में भी प्रारंभ होने में यहाँ पर देरी होगी। तो अब आपकी जो काउंसलिंग है वो 10 जुलाई से होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी किया ही नहीं गया है। तो ऐसे में कल से आपकी जो काउंसलिंग है वो स्थगित होने वाली है। काउंसलिंग आगे किस समय होगी ये आगे आने वाले समय पर ही आपको पता चल पाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल 10 जुलाई से बीएड की काउंसलिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि बीएड की काउंसलिंग में आपको अगर आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अपीयरिंग में फाइनल ईयर में फॉर्म फिल किया है, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया, आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के फाइनल ईयर में है यानी कि अपीयरिंग में है, तो आपको जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा अंडर ग्रेजुएट कोर्स का वो तब तक आपका जो बीएड की काउंसलिंग में उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जब आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स का रिजल्ट आ जाएगा फाइनल ईयर का, तभी आपकी जो काउंसलिंग में आप उसमें भाग ले पाएंगे। विदाउट अंडर ग्रेजुएट कोर्स के फाइनल ईयर रिजल्ट के आप बीएड की काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है और 10 जुलाई से बीएड की काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जैसे ही बीएड काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।